हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सीआईटीएस या फिर सीटीआई एग्जाम के ही क्वेश्चन देखेंगे। पिछली वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, उसी के आगे मैं कुछ और क्वेश्चंस बताऊंगा सीआईटीएस वेल्डर एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज मैं वेल्डिंग क्वेश्चंस का पार्ट थर्ड बताने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द गैसेस मिक्स्ड फॉर शील्डिंग इन FCAW? FCAW में शील्डिंग के लिए कौन सी मिश्रित गैसें यूज होती हैं? आर्गन एंड O2, आर्गन एंड CO2, हीलियम CO2, आर्गन एंड हीलियम। तो जब FCA वेल्डिंग करते हैं तो आर्गन CO2 गैस यूज होती है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी टाइप ऑफ फ्लक्स कोड वायर्स आर यूज इन FCAW? FCAW में कितने प्रकार के फ्लक्स कोड तारों का उपयोग होता है? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो FCAW में दो टाइप के फ्लक्स यूज होते हैं, एक होता है FCAWS, FCAWG फ्लक्स सेल्फ शील्डिंग गैस कोड वायर और गैस शील्डिंग फ्लक्स कोड, जैसा पिक्चर में दिख रहा है। तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड प्रोवाइड्स प्रोटेक्टिव स्लैग इन FCAW? मीन्स FCAW में कितने प्रकार के इलेक्ट्रोड सुरक्षात्मक स्लैग प्रदान करते हैं? ट्यूबलर फ्लक्स कोड इलेक्ट्रोड, एक्सटर्नल फ्लक्स कोड इलेक्ट्रोड, एडिशनल फ्लक्स कोड एंड शील्डिंग गैस टाइप ओनली। तो जब FCAW में ट्यूबलर फ्लक्स का यूज होता है, मीन्स इसका पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, ट्यूबलर फ्लक्स कोड इलेक्ट्रोड, जैसा कि पिक्चर में आप लोगों को दिख रहा है। What device is used to protect face from UV and infrared radiation during welding? मीन जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो उसके दौरान UV और इंफ्रारेड रेडिएशन निकलते हैं, तो उससे कौन हमारी रक्षा करता है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन है ब्लू गॉगल्स, प्लेन गॉगल्स, वाइट गॉगल्स एंड हेलमेट विथ फिल्टर्ड कलर्ड ग्लास। तो जब हम लोग हमारा जो हेलमेट हम लोग पहनते हैं वेल्डिंग के दौरान, तो यही हमारी प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है। तो इसमें जो फिल्टर किए गए ग्लास यूज होते हैं, तो रंगीन ग्लास होते हैं, और इसमें जो सेट अलग अलग सेट के यूज होते हैं, तो इसका ऑप्शन लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, फिल्टर किए गए रंगीन ग्लास। तो जान लीजिए कि इसमें जो है अलग अलग टाइप के क्या यूज होते हैं, सेट के नंबर यूज होते हैं, ग्लास यूज होते हैं, और इसमें बीच में ब्लैक और किनारे पर वाइट ग्लास यूज होता है, वो अलग अलग टाइप के ग्लास यूज होते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज यूज टू प्रोटेक्ट हैंड फ्रॉम बर्निंग इंजरी? मीन्स हाथ को जलने से बचाने के लिए हमारी कौन रक्षा करता है? तो ऑप्शन है अप्रैन, गॉगल्स, प्रोटेक्टिव शील्ड एंड लेदर ग्लव्स। तो हमें पता है जब हाथ की रक्षा होगी तो फिर हैंड ग्लव्स यूज होंगे, ये लेदर के बने होते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ लेंस शेड इज टू बी फिक्स्ड इन हेलमेट वाइल डूइंग मिग वेल्डिंग? मीन्स जब मिग वेल्डिंग करते हैं तो हेलमेट में कौन से नंबर का सेड लेंस यूज होता है? ऑप्शन है Z9, Z10, Z11, Z12। तो मिग वेल्डिंग में Z12 लेंस का यूज किया जाता है, तो इसका यही राइट ऑप्शन हो जाएगा, Z12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंस शेड फिटेड इन हेलमेट एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ वेल्डिंग कोड फॉर सेटिंग 150 एम्पियर फॉर MMAW? मीन्स मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग में जब 150 एम्पियर करंट लेते हैं तो उसके लिए कौन से सेड लेंस का यूज होगा? तो ऑप्शन है Z10, Z11, Z12 एंड Z13। तो जब हम लोग यूज़ करते हैं तो 11 नंबर सेट का यूज होता है, तो ये करंट के लिए अलग अलग यूज होता है, जैसा कि पिक्चर में टेबल दिख रही है। सेड लेंस के लिए अलग अलग ऊपर करंट्स दिए गए हैं और सेड लेंस का यूज हुआ है अलग अलग वेल्डिंग के लिए। विच गैस इज जनरेटेड ड्यूरिंग GMAW ऑन यूजिंग CO2 एज शील्डिंग गैस? मीन्स GMAW में जब हम लोग CO2 गैस यूज करते हैं तो उसके साथ कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन है हीलियम, कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्गन एंड ऑक्सीजन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ अप्रैन इज सुटेबल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट एंड रेडिएशन ड्यूरिंग वेल्डिंग? मीन्स वेल्डिंग के दौरान गर्मी और विकिरण से बचने के लिए कौन सा अप्रैन यूज होता है? ऑप्शन है सिल्क अप्रैन, कॉटन अप्रैन, लेदर अप्रैन एंड एस्बेस्टॉस अप्रैन। तो
कोई भी वेल्डर हो वो लेदर एप्रन का ही यूज़ करता है, मीन्स है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स इन GMAW वायर फीड यूनिट, गियर बॉक्स, वायर फीडर रोलर, सेंटर गाइड एंड आइडल गियर। तो यहाँ पर एरो में जो एक्स का निशान बना हुआ है वही बताना है। तो ये क्या है, यह है वायर फीडर रोलर है, ये इसका आंसर है। इमेज में अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट है, व्हाट एंगल इज प्री सेटिंग इज टू कंपेसिनेट डिस्टॉर्शन ऑन हॉरिजॉन्टल सिंगल वी बट जॉइंट मेटल थिकनेस 10 mm एंड रूट गैप 2 mm। मीन्स जब हम लोग 36 वी बट जॉइंट बनाते हैं तो उसके लिए 10 mm अगर मोटी प्लेट है और 2 mm रूट गैप है तो हमें कौन सा एंगल बनाना होगा। तो हमें पता है जब हम कोई भी बट जॉइंट बनाते हैं, वेल्डिंग करते हैं, तो फिर वेल्डिंग कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन ज़रूर आता है। इसके लिए पहले से हमें थोड़ा ज़्यादा कोण लेना होगा, तो इसका ऑप्शन 183 होगा। अगर हमें 180 डिग्री का बट जॉइंट बनाना है तो 183 थोड़ा ज़्यादा लेंगे 3 डिग्री, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो 183 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इससे डिस्टॉर्शन नहीं आएगा, वो पूरे सेटिंग में आ जाएगा। हाउ मैनी टाइप ऑफ बेसिक वेल्डिंग पोजिशन इन GMAW, मीन्स GMAW में बेसिक वेल्डिंग पोजिशन कितनी होती है। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो जो बेसिक वेल्डिंग होती है उसमें कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। जो नॉर्मल वेल्डिंग होती है उसमें 5 टाइप की वेल्डिंग होती है। तो ये GMAW में 3 टाइप की वेल्डिंग होती है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि GMAW में 3 टाइप की ही वेल्डिंग पोजिशंस होती हैं। नेक्स्ट है, What is the welding position of GMAW? Is the weld deposited underside of the job? Means यदि weld को job के नीचे weld किया जाता है तो GMAW की कौन सी स्थिति होगी। ऑप्शन है vertical, horizontal, overhead and downhand। जब हम लोग जॉब को ऊपर रखते हैं और उसके नीचे वेल्डिंग करते हैं तो ये कौन सी वेल्डिंग होती है, ओवरहेड वेल्डिंग होती है। जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है, एक वेल्डर ओवरहेड वेल्डिंग कर रहा है, वो जॉब के नीचे है, और ऊपर के पिक्चर में भी दिखाया जा रहा है ग्राफ के थ्रू कि एक ओवरहेड वेल्डिंग दिखाई गई है। तो उसमें आप लोगों को बहुत चीज़ें मालूम हो रही होंगी पिक्चर से कि इनका एंगल भी 5 से 10 डिग्री तक होता है। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट आर मेड बाय ग्रूव वेल्ड इन GMAW वेल्डिंग। GMAW में ग्रूव वेल्ड द्वारा किस प्रकार के जॉइंट बनाए जाते हैं, बट जॉइंट, टी जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट एंड लैप जॉइंट। तो जब हम लोग बट जॉइंट की बात करते हैं तो ग्रूव वेल्ड उसी में बट जॉइंट बनता है। तो GMAW में इसका ऑप्शन पहला राइट हो जाएगा। तो पिक्चर में दिखाया गया है कि एक बट जॉइंट है और इसमें जो ग्रूव फेस दिख रहा है, रूट फेस दिख रहा है और ग्रूव रूट गैप दिख रहा है। तो ये रूट गैप होता है, जहाँ पर हम लोग वेल्डिंग करते हैं वो ग्रूव फेस होता है, नीचे रूट गैप और रूट फेस दिख रहा है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द एंगल मार्क्ड एक्स इन फिलेट वेल्ड सोन। तो बेस मेटल, वेल्ड मेटल, टी जॉइंट एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल एंगल। तो ऑप्शन है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल एंगल। नेक्स्ट है, विच शील्डिंग गैस इज यूज इन मिग वेल्डिंग, मीन्स मिग वेल्डिंग में किस शील्डिंग गैस का यूज होता है। ऑप्शन है आर्गन, आर्गन प्लस 20% CO2, आर्गन प्लस 1% ऑक्सीजन, आर्गन प्लस 10% हाइड्रोजन। तो मिग वेल्डिंग में एक ऑर्गन गैस यूज होती है, तो यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। विच टाइप ऑफ वेल्ड इज डेवलप्ड इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग के लिए किस प्रकार का वेल्ड विकसित होता है। ऑप्शन है गैस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, सबमर्ट आर्क वेल्डिंग एंड शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। तो इसका ऑप्शन होगा सबमर्ट आर्क वेल्डिंग, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग में यही यूज होता है। हाउ मैनी टाइप ऑफ मेटल ट्रांसफ़र इन GMAW वेल्डिंग, मीन्स GMAW वेल्डिंग में कितने प्रकार के धातु स्थानांतरण होते हैं। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है 4 टाइप के ट्रांसफ़र दिए गए हैं, शॉर्ट सर्किट, ग्लोबलर, स्प्रे एंड पल्स ट्रांसफ़र। तो इट मीन्स इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 टाइप के मेटल ट्रांसफ़र होते हैं, शॉर्ट सर्किट, ग्लोबलर, स्प्रे एंड पल्स ट्रांसफ़र। What is the part marked X in GMAW wire feed unit? ऑप्शन है gearbox, idle gear, wire feeder roller, input guide assembly। तो इसमें क्या है, जो X दिख रहा है वो है idle gear। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा idle gear, means दूसरा।
What is the name of the part marked X in JMW? Principle of CO2 welding. Electrode wire, contact tip, nozzle and CO2 gas. तो यहाँ पर ये क्या है, ये एक टाइप का क्या है, कॉन्टैक्ट टिप है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट टिप, जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है. What is the ability of metal to cut another metal? Means किसी अन्य धातु को काटने के लिए धातु की क्षमता क्या कहलाती है? Creep, fatigue, hardness and strength. जब हम किसी धातु को काटते हैं तो काटने वाली धातु ज़्यादा हार्ड होती है और जिसको हम काटते हैं वो कम हार्ड होती है. इसका मतलब ये है कि जिस वस्तु को हम काट रहे हैं वो कम हार्ड होगी और जिससे काट रहे हैं वो ज़्यादा हार्ड होगी. इट मीन्स इसका ऑप्शन क्या होगा, हार्डनेस इसका ऑप्शन राइट होगा. तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा. तो कटिंग करने वाले जितने भी मटेरियल होते हैं वो ज़्यादा हार्ड होते हैं. वाट एम्पियर रेंज इज रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग 1.2 mm फिलर वायर फॉर वेल्डिंग माइल्ड स्टील इन मिग मैग वेल्डिंग. मीन्स मिग मैग वेल्डिंग में 1.2 mm फिलर वायर के लिए हम लोग को धारा कितनी चाहिए, 50 से 100, 70 से 120, 90 से 150 और 100 से 125. तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 100 से 125. ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा. इसका ऑप्शन है 100 से 125 एम्पियर. नेक्स्ट है, वट इज़ द टेम्परेचर प्रोड्यूस्ड बाई केमिकल रिएक्शन इन थर्मिट वेल्डिंग. मीन्स थर्मिक वेल्डिंग में रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा उत्पादित जो तापमान होता है वो कितना होता है. ऑप्शन है 5000 डिग्री सेल्सियस, 5000 डिग्री फॉरेनहाइट, 4000 डिग्री सेल्सियस एंड 4000 डिग्री फॉरेनहाइट. तो थर्मिट वेल्डिंग में जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है 5000 डिग्री फॉरेनहाइट टेम्परेचर का यूज़ किया जाता है. इट मीन्स यही इसका ऑप्शन होगा, 5000 डिग्री फॉरेनहाइट. ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो टेम्परेचर होता है वो है. व्हाट टाइप ऑफ वेल्डिंग इज टू बी यूज्ड टू मेक जॉइंट टू थिक पाइप्स ऑफ रेल. मीन्स रेल के मोटे पाइप को जोड़ने के लिए कौन सी वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है. ऑप्शन है थर्मिट वेल्डिंग, प्रेशर थर्मिट वेल्डिंग, आर्क थर्मिट वेल्डिंग एंड फ्यूजन थर्मिट वेल्डिंग. तो जैसा कि इसमें दिख रहा है पिक्चर में, ये रेल जोड़ी जा रही है तो इसमें प्रेशर के थ्रू जुड़ता है. तो थर्मिट वेल्डिंग में प्रेशर थर्मिट वेल्डिंग ही इसका सही ऑप्शन होगा. तो जो रेल के द्वारा रेल जुड़ती है तो उसमें प्रेशर थर्मिट वेल्डिंग यूज होती है, जैसा कि पिक्चर में साफ साफ दिख रहा है. ये प्रेशर थर्मिट वेल्डिंग है. तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रेशर थर्मिट वेल्डिंग. नेक्स्ट है, वेयर इज इलेक्ट्रॉन बीम जनरेटेड कंट्रोल्ड एंड एक्सेलरेटेड. मीन्स इलेक्ट्रॉन बीम कहाँ उत्पन्न होती है, नियमित होती है और त्वरित होती है. तो ऑप्शन है एटमॉस्फेयर मीन्स वायुमंडल, इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रोड गन एंड वैक्यूम चैम्बर. तो जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है वर्ल्ड पीस रखा हुआ है एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर. तो इसका और यहाँ से ऊपर से जो येलो दिख रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन बीम है. मीन्स इसका मतलब वैक्यूम चैम्बर के अंदर निर्वात कक्ष में जो उत्पन्न होती है ये इलेक्ट्रॉन बीम. नेक्स्ट है, वट इज़ द सोर्स ऑफ हीट टू मेल्ट वर्क पीस इन एन इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग. मीन्स इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में वर्क पीस को पिघलाने के लिए ऊष्मा का स्रोत क्या है, बाय हीट, बाय हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स, बाय बीम हीट एंड करंट. मीन्स यहाँ पर दिख रहा है पिक्चर में तो ऊपर से ग्रीन कलर की ये इलेक्ट्रॉन बीम है और तो मीन्स इलेक्ट्रॉनों के जो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके द्वारा हीट जनरेट होती है. नेक्स्ट है, विच वेल्डिंग प्रोसेस ग्रेनुलेटेड फ्लक्स इज फेड थ्रू हॉपर टू वेल्डिंग स्पॉट. मीन्स कौन सी ऐसी वेल्डिंग है जिसमें हॉपर की सहायता से जो दानेदार फ्लक्स है वो प्रवाह किया जाता है. ऑप्शन है GTA वेल्डिंग, SMAW, GMAW एंड SAW. तो जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है एक हॉपर है, हॉपर में यहाँ पर फ्लक्स गिराया जा रहा है, तो यह SAW की पिक्चर है, सबमर्ड आर्क वेल्डिंग. तो यही इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसमें हॉपर यूज होता है. नेक्स्ट है, वाट आर द पोजिशन यूज इन SAW. मीन्स SAW में कौन सी पोजिशन प्रयोग की जाती है. ऑप्शन है फ्लैट, वर्टिकल, ओवरहेड, फ्लैट एंड हॉरिजेंटल. तो जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है पहली पिक में हॉरिजेंटल पोजीशन है, दूसरी पिक में फ्लैट है. इट मींस SAW में फ्लैट एंड हॉरिजेंटल पोजीशन यूज होती हैं. तो पिक्चर से आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा. व्हाट टाइप ऑफ वेल्ड ऑफन यूज्ड टू असिस्ट असेंबली और
टू मेंटेन एज अलाइनमेंट ड्यूरिंग वेल्डिंग, मीन्स वेल्डिंग के दौरान असेंबली की सहायता करने के लिए कौन सी किरण रेखा किस प्रकार का वेल्ड उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है रूट रन वेल्ड, लेवल वेल्ड, टैक वेल्ड एंड स्ट्रिंगर बेवल। तो यहाँ पर पिक्चर टैक वेल्ड की दिख रही है, इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? टैक वेल्ड। तो इसका सही ऑप्शन है टैक वेल्डिंग। टैक वेल्डिंग टेम्परेरी यूज के लिए होता है, इससे जॉब की पोजीशन बनी रहती है और यहाँ पर डिस्टॉर्शन नहीं हो पाता है, इसलिए टैक वेल्डिंग करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द यूजुअल टॉर्च एंगल टिल्ट ऑन ईदर साइड ऑफ वर्टिकल इन GMAW, में GMAW में वर्टिकल के दोनों ओर समान टॉर्च का कोण कितना होता है? ऑप्शन है 10 से 20, 20 से 25, 25 से 30 एंड 30 से 35 डिग्री। तो ऑप्शन हो जाएगा 10 से 20 डिग्री, मीन्स वर्टिकल में जो टॉर्च का कोण होता है वो 10 से 20 डिग्री रखा जाता है। व्हाट डिफेक्ट ऑकर टू अ वेल्ड जॉइंट इफ इट इज प्रोवाइडेड विथ इनसफिशियंट हीट इनपुट, मीन्स एक वेल्ड जॉइंट में क्या दोष होगा अगर अपर्याप्त हीट इनपुट के साथ प्रदान किया करेगा, मीन ज़्यादा हीट होगी तो कौन सा दोष हो जाएगा ये बताना है। लैक ऑफ फ्यूजन, लैक ऑफ पेनिट्रेशन, लैक ऑफ मेल्ड डिपॉजिट, अन इवन बीड डिपॉजिट। तो पिक्चर है लैक ऑफ पेनिट्रेशन की, मीन्स अगर असमान ज़्यादा इनपुट हीट इनपुट हो जाएगी तो हमें लैक ऑफ पेनिट्रेशन देखने को मिलेगा, मीन्स यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, लैक ऑफ पेनिट्रेशन, मीन्स पेनिट्रेशन की कमी। व्हाट इज़ द सॉल्यूशन इफ बर्न बैक ऑकर ड्यू टू इरेगुलर वायर फीडिंग इन GMAW, मीन्स अगर GMAW प्रक्रिया में अनियमित वायर फीडिंग के कारण बर्न बैक होता है तो इसका क्या उपाय करेंगे? ऑप्शन है कट आउट निक वायर, रिप्लेस ऑफ वूल, कट द निक वायर एंड रिप्लेस द वूल, एडजस्ट टू निक वायर। तो जब बर्न बैक होता है या फिर निक, यहाँ पर जो दिया गया है निक मतलब होता है उलझना, मीन्स जब वायर उलझ जाता है तो उसको हम कट कर देते हैं और रिप्लेस कर देते हैं, मीन्स दूसरा वायर लगा देते हैं, मीन्स इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट आउट द निक वायर एंड रिप्लेस द वूल, मीन्स निक तार को काट दें और स्पूल बदलें। Which metal surfacing method is ideal for thin layer that can flow to corner and edge of the job? Means धातु surfacing की कौन सी विधि पतली परतों के लिए आदर्श है जो job के किनारों कोनों पर प्रवाह कर सकती है? टिग वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग एंड सबमर डार्क वेल्डिंग। तो जब हम लोग सरफेसिंग करते हैं या फिर हार्ड सरफेसिंग करते हैं तो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग का यूज़ करते हैं, मीन्स यही ऑप्शन हो जाएगा। विच टाइप ऑफ कोर वायर इज सुटेबल फॉर वेल्डिंग कार्बन स्टील एलॉय एंड स्टेनलेस स्टील अंडर FCAW, मीन्स FCAW के तहत कार्बन स्टील, मिश्र धातु और इस्पात स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग के लिए कौन सा कोर तार उपयोग करेंगे? फ्लक्स कोड इलेक्ट्रोड, गैस शील्डिंग एंड अनयूज्ड फ्लक्स कोड एंड गैस शील्डिंग, फ्लक्स इज एक्सटेंडेड एंड शील्डिंग। तो यहाँ पर FCAW में फ्लक्स कोड वायर इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, फ्लक्स कोड इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन FCAW एंड GMAW, मीन्स FCAW एंड GMAW उपकरण में क्या अंतर है? नोजल टॉर्च, कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉर्च एंड फीड रोलर, मशीन एंड टॉर्च, फीड रोलर एंड गैस सिलेंडर। तो जब FCA एंड GMAW की बात करते हैं तो उनकी जो टॉर्च होती है और फीड रोलर होती है उनकी बनावट में अंतर होता है, जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मेटल ट्रांसफ़र सिस्टम इन FCAW, मीन्स FCAW में मेटल ट्रांसफ़र कौन सा होता है? डिप ट्रांसफ़र, फ्री फ्लाइट ट्रांसफ़र, ग्लोबुलर ट्रांसफ़र एंड पल्स ट्रांसफ़र। तो यहाँ पर ये जो दिया गया है फ्री फ्लाइट ट्रांसफ़र मेथड, तो यहाँ पर जैसे जैसे करंट इंक्रीज होता है वैसे वैसे ये मेटल ट्रांसफ़र होते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फ्री फ्लाइट ट्रांसफ़र। पिक्चर में अच्छे से समझ में आ रहा होगा। Why is the argon and CO2 mixture is used in FCA welding? Means FCA welding में यहाँ पर argon और CO2 क्यों यूज होता है? Smooth spray transfer with minimum slag, smooth globular transfer, smooth pulse transfer, smooth dip transfer। तो यहाँ पर जब FCA welding करते हैं
तो यहाँ पर इन दोनों का गैसों का मिश्रण इसलिए यूज होता है आर्गन CO2 का, ताकि स्मूथ स्प्रे ट्रांसफ़र और मिनिमम स्लैग हो, मतलब कम स्लैग बने और स्प्रे ट्रांसफ़र अच्छे से हो, स्मूथ हो। नेक्स्ट है, वाई डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर रोलर्स आर यूज इन FCA वेल्डिंग, मीन्स FCAW वेल्डिंग में विभिन्न प्रकार के प्रेशर रोलर का उपयोग क्यों किया जाता है? नोरल्ड रोलर्स, विदाउट रोलर्स ऑफ ट्रेवल वायर, विथ प्रेशर ऑफ ट्यूबलर वायर, पॉजिटिव फीडिंग विदाउट प्रेशर ऑन ट्यूबलर वायर। तो यहाँ पर ये जो वायर देख रहे हैं, ये हैं पॉजिटिव फीडिंग के लिए यूज होते हैं, मीन्स ताकि पॉजिटिव फीडिंग हो और प्रेशर के साथ हो ऑन ट्यूबलर वायर। तो ये ट्यूबलर वायर है, इसमें क्या होता है, फ्लक्स लगा होता है, ऊपर मेटल की परत चढ़ी होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसी टाइप के मैं और भी क्वेश्चंस बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आप लोग CITS या फिर CTI एग्जाम क्लियर कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।